नमस्कार दोस्तों, बासगो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत दिन से अपने जो है लाइसेंस बना रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, और बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ अच्छे से एलोबरेट करके इन सब लाइसेंस को बनाता हूँ, तो जिससे जो है सीखने वालों में जो दिक्कतें आ रही हैं वो आसानी समझ सकते हैं और अच्छी जो है बांसुरी बजा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि बांसुरी जो कैसी लेनी चाहिए या बांसुरी में जो कैसे मतलब आपको सरगम बजाना चाहिए, ये सब मैंने आपको मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये बेसिक्स ज़्यादा बजाने हैं, हम केवल बेसिक्स ही बजा रहे हैं, बाकी हमको कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन देखिए, जब आपकी नींव अच्छी होगी तभी आपकी इमारत बुलंद होगी। तो हमेशा जो है नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, आपका जो बेस होना चाहिए वो बहुत मजबूत होना चाहिए। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसमें छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अच्छी बांसुरी नहीं बजा सकते, पूरे जीवन नहीं बजा सकते। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है इसको कंठस्थ कर लीजिए, इसको एकदम प्रैक्टिस करके एकदम पक्का कर लीजिए कि मैं जो बजाऊँगा बजा रहा हूँ परफेक्ट बजा रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी चीज़ समय के हिसाब से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जो सफलता मिलेगी। इस छोटी छोटी चीज़ों को, टिप्स को ध्यान में रखिए कि हमारी बैठने की पोजीशन क्या है, हमारी ग्लो करने की पोजीशन क्या है, या हमें किस टाइप से ग्लो करना चाहिए, या किस स्केल की बांसुरी में किस टाइप से ग्लो किया जाता है, ये सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। बांसुरी में फूंक ही आपका मेन आधार है, अगर आपकी फूंक अच्छी है, ग्लो का प्रेशर अच्छा है, तभी आप जो है अच्छी बांसुरी, अच्छे गाने, अच्छे बॉलीवुड गाने या अच्छा जो है शास्त्रीय संगीत आप बजा सकते हैं। तो देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं, पहले क्या था कि गुरु के पास जाके हमें सीखना पड़ता था, तो कहते हैं ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो ये तो बात सही है। लेकिन आज जो है नेट की दुनिया है, तो आजकल आपको घर बैठे भी जो है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जा रहे हैं जिससे आप कुछ ना कुछ उसके बारे में मालूम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो आप गुरु के पास जाके सीखेंगे उसमें और भी निखार आता है। ऑनलाइन में आप कर सकते हैं, बट आपको जो है किसी गुरु के पास जाके आप सीखेंगे, मतलब तो वोकल सीख रहे हैं, क्लासिकल सीख रहे हैं, सुर आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन में भी जो उसको चीज़ों को बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप कहीं डाउट हो तो आप उससे बात कर सकते हैं, बात करेंगे, मैं आपको उसको और क्लियर कर दूंगा। चलिए चलते चलते मैं आपको एक धुन सुनाता हूँ।